जय प्रकाश नारायण की जयंती पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज माल्यार्पण अर्पण करने के लिए जब जाना चाह रहे थे तो उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी गई। इससे पहले भी बीते साल जब वो जेपी इंटरनेशनल सेंटर पर माल्यार्पण करने गए थे तो उसका गेट बंद कर दिया गया था और उन्होंने फान कर वहां पर माल्यार्पण किया था। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि जिस तरह से आज वहां पर बैरिकेडिंग लगवाई गई, क्या लगता है आपको एक पूर्व मुख्यमंत्री के घर के बाहर बैरिकेडिंग लगवा दी केवल वो माल्यार्पण करने जा रहे थे? मुझे तो ये लगता है कि ये डर अभी से इनको सता रहा है 27 में ना आने का। जिस तरह से आज माननीय अखिलेश यादव जी के घर के बाहर इन्हीं ने 2000 पुलिस वाले और 200 अधिकारी लगाए तो ये मुझे इनका आने वाला डर दिखाई दे रहा है। ना तो माननीय अखिलेश यादव जी कोई धरना, कोई रैली, कोई प्रदर्शन करने जा रहे थे। वो हमारे जेपी नारायण जी की आज जो पुण्यतिथि है उन पे माल्यार्पण करने जा रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं भय और डर दिखाई दे रहा है मौजूदा सरकार और मुख्यमंत्री को कि उनकी जो भी नाकामियां हैं उसको वो छिपा के कोशिश कर रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी को क्या आप डरा लेंगे इस तरह की हरकतें करके? ये ओछी हरकतें हैं। इस तरह की हरकतें सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनको डर है और न जिन्होंने कभी हमारे जो भी बड़े और बुजुर्ग लोग जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है उनका ना ही कभी उन्होंने आदर किया है और उन्हीं को ये डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में जनता उसको चुने जो बड़ों बुजुर्गों का सम्मान करता है। तो इस कड़ी में ये मैं तो बहुत निंदा करता हूँ कि बहुत गलत बात है कि हमारे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी जो इसमें जा रहे थे माल्यार्पण करने तो उनको इसमें ऐसा कौन सा डर सता रहा था? ये सवाल तो पब्लिक को भी पूछना चाहिए कि ऐसा कौन सा डर था माननीय मुख्यमंत्री को कि अखिलेश यादव जी को उन्होंने उनके घर में नजरबंद किया। फिर भी हमारे समाजवादी के वो लोग जिन्होंने डर के मुकाबला किया, क्योंकि जब भी योगी डरता है तो पुलिस को आगे करता है का नारा समाजवादियों ने दिया, तो आज उन्होंने फिर दिखाया कि अपने घर से निकल के एक मूर्ति हमारे जय नारायण जी की लगाई, उस पर माल्यार्पण किया। हम रुकेंगे कहीं नहीं और इस तरह ना ही हम सरकार हमारी 27 में ये रोक पाएंगे और पब्लिक हमारे साथ रहेगी। हम आने वाले टाइम में भी अपने इसी तरह पूर्वजों और बुजुर्गों का सम्मान करते रहेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सारिक जी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बीते साल भी इसी तरह से रोका गया था और जो सेंटर था जेपी नारायण सेंटर उसका गेट बंद कर दिया गया था, उसके बाद इस तरह की घटना आज हुई, क्या बैरिकेडिंग लगाई, क्या आप? देखिए, सबसे पहले बात तो है जय प्रकाश नारायण जी जो है समाजवाद के पुरोधा है। समाजवाद जो विचारधारा अगर कही जाए तो कहीं ना कहीं उनसे भी जो है ली गई है बहुत बड़ी जो है विचारधारा, क्योंकि जो उनका आंदोलन था उस आंदोलन से इस देश के अंदर तमाम जो है समाजवादी विचारक के नेता निकले थे जिन्होंने इस देश की उन्नति के लिए बहुत काम किया। तो जब भी जब जय प्रकाश जी की जयंती आती है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उनके माल्यार्पण करने के लिए जाते हैं तो ये सरकार ने उनको रोकने की कोशिश करी, इसलिए कि ये एक आंदोलन ऐसा ना हो कि खड़ा हो जाए, क्योंकि हजारों की तादाद में कार्यकर्ता पहुंचेंगे तो नेता अपनी जाहिर सी बात अपने नेताओं से बात करेंगे, तो ये सब बात को दबाने के लिए, समाजवाद को दबाने के लिए ऐसी कोशिश की जा रही, ये बहुत गलत है। क्योंकि हम अगर अपनी विचारधारा को नहीं जीवित रखेंगे, अपनी विचारधारा को नहीं याद करेंगे, अपनी विचारधारा के लोगों को नहीं लोगों तक पहुँचाएंगे, उनकी बात नहीं पहुँचाएंगे, तो हम कैसे अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाएंगे? तो ये कहीं ना कहीं समाजवाद को दबाने का जो है पूरा इन्होंने पंडित रचा है, तो ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि एक प्रोधा ऐसा प्रोधा जिसने देश की उन्नति के लिए बहुत ज्यादा काम किया, तो ये बहुत गलत है और इसके हम लोग जो है बहुत निंदित घटना हो गया है। आपसे बात कर लेते हैं, आपको क्या लगता है जिस तरह से आज बैरिकेडिंग लगाई गई एक पूर्व मुख्यमंत्री का, आप भी समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं क्या? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही छोटी हरकत करी है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने, जो कि उत्तर प्रदेश में इस तरह से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जय प्रकाश नारायण जी को एक जनवादी और गांधीवादी नेता रहे हैं और उनके आज जयंती पर रोकना, ये ऐसा तो था नहीं कि जयप्रकाश नारायण जी कोई देशद्रोही थे, वो तो एक देशभक्त हैं और देश के हित के लिए फ्रीडम फाइटर रहे हैं और भारत रत्न जिनको मिला है, उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया है। उस वक्त की सरकारों से जब उनको ये लगा कि मतलब सरकारें थोड़ा गलत डायरेक्शन में जा रही हैं, उस वक्त उन्होंने बहुत ज़बरदस्त आंदोलन छेड़ा और देश का एक माहौल बदल डाला और मतलब आंदोलनकारी इस तरह से नहीं करा, मतलब गांधीवादी विचारधारा पे ही आंदोलन करते थे। और आज जब अखिलेश यादव जी उन्हीं के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं और उनके आज जयंती पर एक अच्छा रोल अदा करने जा रहे थे, उनको माल्यार्पण कर नौजवानों को अंदर एक उत्साह बढ़ाने जा रहे थे, तो मेरे ख्याल से उनकी आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और उनके मुख्यमंत्री को ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि आज
जयप्रकाश नारायण जी के ऊपर जो आज हार डाला जा रहा है, माला अर्पण करना जा रहा है, इससे कहीं माहौल बदल ना जाए, लोगों के अंदर अखिलेश यादव जी एक नई ऊर्जा के साथ एक आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ना कर दे, उनको इस चीज का डर था। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आज जो मुख्यमंत्री के घर के बाहर बैरिकेडिंग की गई, उनको माल्यार्पण करने के जाने नहीं दिया गया, क्या लगता है आपको? हमारे जो नेता पीडीए के नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, वो आज माल्यार्पण करने जा रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार की, जो कुर्ता बैरिकेडिंग लगाकर जिस तरह से उन्होंने रोका, ये एक निंदनीय है। हमारे नेताजी उसमें माल्यार्पण करते, लोगों को एक अच्छा संदेश मिलता वहाँ से, तो हमारे हिसाब से तो ये बहुत निंदनीय है और इसकी हम निंदा करते हैं। एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि जिस तरह से सरकार ने अपना जो है एक लेटर जारी किया, उसमें कहा कि क्योंकि जो सेंटर है वहाँ पर बारिश के कारण जीव जंतु हो सकते हैं, इसलिए जो है रोका गया है, इस तरह के एक लेटर पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो तो जैसे आपने और पूरी सभी हमारी पब्लिक को हिंदुस्तान की मालूम है कि पिछली बार आपने गेट बंद कर दिया था, हमारे नेता का उत्साह आपने देखा कि वो गेट फांद के गए, जीव जंतु से किसको डरा रहे हो? और इस तरह के हमारे जो भी पूर्वज, आप उनकी जयंती में क्या आप वो साफ सफाई नहीं करा सकते थे? आपकी सरकार की जिम्मेदारी नैतिकता नहीं बनती है कि जब उनकी पुण्यतिथि आए आप उस जगह का बिल्कुल विवरण लेके साफ सफाई सुथराई कराए, कि कोई भी कॉमन आदमी भी अगर किसी भी हमारे राष्ट्रपिता से लेके हमारे समाजवादी के लोग हों या हमारे जिन्होंने देश में बलिदान किया उनको हम पुष्प अर्पण करने जा रहे हैं, तो आप उस जगह की साफ सुथराई भी नहीं करा सकते हैं? ये आपका डर है जो सिर्फ आप ये बता रहे हो कि वहां जीव जंतु हो सकते हैं, और समाजवादी लोग किसी जीव जंतु से और आप जैसे जंतु से बिल्कुल नहीं डरेंगे किसी सूरत में। जो हमारे नेता ने ये दिखा दिया, आज आपने 2000 सिपाही रखे सुबह से लगातार, वहां से वीडियो लखनऊ से हम लोगों के मोबाइलों पे व्हाट्सएप के जरिए और फेसबुक के जरिए आ रहे हैं, तो दिखाया समाजवादियों ने कि हम डरने वाले तो तुम्हारे 2000 पुलिस वालों से भी नहीं है और तुमसे भी नहीं है। बात कर लेते हैं, आपको क्या लगता है जिस तरीके की हरकत आज मुख्यमंत्री जी ने करी है वो बहुत ही छोटी सोच की हरकत थी। जयप्रकाश जी गांधी विचारधारा के, समाजवादी विचारधारा के बहुत ही बड़े नेता थे। अगर कोई व्यक्ति किसी की जयंती पर या पुण्यतिथि पर माल्यार्पण करना जा रहा था तो उसको जाने देना चाहिए था, ये कि नहीं किसी घर के आगे बैरिकेड लगा के रोक के। अब ऐसे हमारी सरकार आएगी जैसे 2027 में बनती है, ऐसे भी हम उनके भी जो है जो नेता हैं अगर उनको भी बैरिकेड लगा के इसे रोकेंगे तो फिर ये बदले की राजनीति होगी, इनको नहीं करना चाहिए था। बस मैं इतनी। आपको क्या लगता है जो लेटर जारी किया गया कि जीव जंतु हैं, ये किस तरह की सफाई एक तरह? ये तो अपने आप को जब बचाने के लिए है, अगर जीव जंतु है तो आप उनको जो है साफ सफाई करिए, उनको दूर करिए, उनको पकड़वाइए। भाई एक प्रोधा की जो है जयंती है तो आपका भी तो फर्ज है कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस देश के जो है एक अच्छे नेता में आप गिने जा रहे हो, तो कम से कम उनको याद करना चाहिए। आपको कुछ आज वहाँ जाकर सीखना चाहिए, जयप्रकाश जी के पास जाकर आज आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत थी कि इस जो है देश की जनता, प्रदेश की जनता जो है परेशान है बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, शिक्षा के लिए। जयप्रकाश जी ने जो आंदोलन के काहे के लिए था वो छात्रों हित के लिए ही, जो सबसे बड़ा आंदोलन जो इनका हुआ था बिहार के सरजमी पे, तो आज जो छात्र परेशान है तो आज आके वहाँ पे उनको सीखना चाहिए था कि वहाँ जाकर हम जयप्रकाश जी से कुछ सीखें। तो ये तो एक अपने आप को बचाने के लिए लेटर जारी किया, वरना ऐसा कुछ नहीं। अगर चाहते तो जब उनका कार्यक्रम होता है तो जंगल को वो एक दिन में साफ सुथरा करके पूरा पंडाल अपना लगा के कार्यक्रम कर लेते तो वो इतनी अच्छी पार्क बनी हुई उसको साफ सफाई कर नहीं कर सकते थे। तो ये अपने आप को बचाने के लिए है सर, और कुछ नहीं है। बाकी ये जो है एक आवाज़ दबाने का काम किया गया, समाजवादी विचारधारा को दबाने का काम किया, समाजवादी के नेताओं को दबाने का काम किया गया। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता मौजूद थे, उनका साफ तौर से कहना है जिस तरह का आज काम किया गया है, बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया है समाजवादी पार्टी को और समाजवादी पार्टी के लोगों को, समाजवादी विचारधारा को रोकने का काम किया गया है। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।